एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आया है NPCIL में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्यूटी मैनेजर लीगल। अगर हम NPCIL की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अभी वैकेंसी आई है, जैसा हमने ऑलरेडी देखा, डेप्यूटी मैनेजर लीगल से रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और डिटेल नोटिफिकेशन जो है आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। अगर हम बात करें वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स की, तो डिप्यूटी मैनेजर लीगल में 1 वैकेंसी है, दैट इज ST में, और ये जो पहला वैकेंसी है ये है बैकलॉग वैकेंसी। और अगर हम बात करें करेंट वैकेंसीज की, तो डिप्यूटी मैनेजर लीगल इट इज 1 वैकेंसी इज देयर इन द अनरिजर्व कैटेगरी। सो टोटल वैकेंसी जो डेप्यूटी मैनेजर लीगल की वो 1 है। फर्दर अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, डेप्यूटी मैनेजर लीगल के पोस्ट के लिए तो फुल टाइम डिग्री इन लॉ होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% ऑफ मार्क्स, एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द कंसर्न बार काउंसिल ऑफ द स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार और इन एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑफिसर। एंड एक्सपोजर की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो इन सब मैटर्स में कंपनी सिविल एंड लेबर लॉज ये सब में होने चाहिए। कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स जो है एक्सीलेंट होना चाहिए एंड केपेबल टू हैंडल एंड डील विद लीगल प्रॉब्लम्स एंड केसेस इंडिपेंडेंटली। फर्दर देखें तो कैंडिडेट्स दे मस्ट हैव ऑलरेडी पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विच इज 29th of May 2023। ठीक है, इससे रिलेटेड आप बाकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो। अगर क्वालिफिकेशन की और बात करें एजुकेशनल एंड ऑल की, तो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, हैंडलिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक MS ऑफिस, विंडोज एक्सेट्रा। पे लेवल की बात करें एंड मंथली एमोल्यूमेंट्स की बात करें, तो जो डेप्यूटी मैनेजर लीगल है उसकी जो अप्रोक्सीमेट मंथली एमोल्यूमेंट्स है पे एंड DA जो है वो 79,662 है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो अलायंसेस भी है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज भी है, पूरे डिटेल्स इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया व्हाट ऑल यू विल बी अवेलिंग इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट विद रिस्पेक्ट टू पे एंड अदर थिंग्स। देन इंसेंटिव्स भी है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेगा, लोन्स एंड एडवांसेस है फॉर हाउस बिल्डिंग जनरल पर्पस, रिटायरमेंट बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से भी रिलेटेड प्रोविजंस है। एज की अगर बात करें तो डेप्यूटी मैनेजर लीगल के लिए 18 years to 30 years होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज 29th of May 2023। देर आर सर्टेन रिलैक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एज एंड ऑल, जो कि आप डिटेल में नोटिफिकेशन में देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, सो कैटेगरी वाइज क्या रिलैक्सेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द एज, दैट ऑल्सो यू कैन चेक ओवर योर। अगर हम बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, सो जो डेप्यूटी मैनेजर लीगल है उसकी पोस्टिंग जो है एट एनी NPCIL यूनिट या साइट या हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है वहां हो सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, सो देर आर 2 स्टेज एग्जामिनेशन, द फर्स्ट इज रिटन, दैट इज ऑनलाइन OMR टेस्ट, एंड सेकेंड स्टेज जो है पर्सनल इंटरव्यू की है। स्टेज 1 जो है रिटन आपका, टाइम अलॉटेड फॉर द टेस्ट है 120 minutes। सो अगर एग्जाम में सेक्शन की बात करें तो बेसिकली 2 सेक्शन में होगा ये जो रिटन एग्जाम है। सेक्शन 1 में मैनेजमेंट एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, RTI एक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अवेयरनेस होगा। सेक्शन 2 में क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो भी आपका प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, दैट इज लॉ ओवर योर, और यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने डिटेल में दिया है नोटिफिकेशन में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इस सेक्शन में, जो ऊपर में अभी हमने डिस्कस किया, सेक्शन 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड से एंड 70 क्वेश्चंस होंगे प्रोफेशनल डिसिप्लिन से। 1 मार्क्स होगा ईच करेक्ट आंसर के लिए एंड 0.25 जो है या 1/4 मार्क्स जो है डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग है। फॉलोइंग 5 मार्क्स फॉर द टेस्ट इज 40% फॉर द अनरिजर्व एंड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30%। सो द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु रैंक सफिशिएंटली हाई इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन शैल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो किस तरीके से आपका सेकेंड जो फेज है, स्टेज है ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, वहां के लिए सिलेक्शन होगा, दैट हैज ऑल्सो बीन डिटेल्ड। मूविंग फर्दर अगर हम इंटरव्यू की बात करें, डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू और वेन्यू जो है नोटिफाई किया जाएगा लेटर। सो इंडिविजुअल इंटीमेशन दिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट
कैंडिडेट्स को जो रिटन एग्जाम अपना क्वालिफाई करेंगे. रेशियो फॉर कॉलिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू 1:5 होगा. वेयर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी आर लेस देन और इक्वल टू 10 एंड 1:4 वेयर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज मोर देन 10. सो दिस इज द रेशियो इन विच द कैंडिडेट दे विल बी कॉल्ड फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इंटरव्यू. टोटल मार्क्स अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो 100 है क्वालिफाइंग मार्क्स की है अनरिजर्व के लिए एंड 50 है फॉर द रिजर्व कैंडिडेट. वेटेज रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू मार्क्स फॉर प्रिपेयरिंग जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू दैट इज 50-50 का दैट इज इक्वल वेटेज है आपका. फर्दर बात करें कि अगर टाई होगा एंड ऑल्सो हाउ टाई विल बी डिसाइडेड सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. लैंग्वेज जो है आपके पर्सनल इंटरव्यू की दैट विल बी आइदर इंग्लिश और हिंदी. सो एप्लीकेंट्स अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू विल हैव अ चॉइस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस इन आइदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस. अप्लाई कैसे करनी है इस वैकेंसी के लिए तो आप NPCIL की वेबसाइट पे जा सकते हो www.npcilcareers.co.in. यहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हो. ऑनलाइन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12th ऑफ मई से स्टार्ट हो चुका है एंड 29th ऑफ मई आपका लास्ट डेट. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो कंसिस्ट होगा फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप वाइज भी उन्होंने अच्छे से बाइफर्केट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टेप वन में आपको क्या करने हैं, क्लिक करने हैं अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है फॉर रजिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट क्या करना है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिवेशन एप्लीकेंट्स कैन लॉग इन यूजिंग देयर लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा. उस लॉग इन और पासवर्ड को यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो. दिस इज अ मल्टी स्टेज स्टेप वेयर एप्लीकेंट इज अलाउड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज ओनली ऑन एंटरिंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द करेंट स्टेज. सीक्वेंस इसमें दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस पर्सनल डिटेल अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर देन सबमिट एप्लीकेशन. सो पूरा डिटेल में दिया है. द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट ओनली आफ्टर ऑल द अबव मेंशन्ड एप्लीकेबल स्टेप्स आर कंप्लीटेड. एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो एप्लीकेंट देख सकते हैं लॉग इन करके थ्रू एप्लीकेंट्स लॉग इन लिंक. एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्कैन सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ रेडी फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. प्लीज नोट दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट वैलिड signature and photograph will not be accepted. Important ye 4 step with respect to registration, activation, filling of the applicant details, upload of signature, photo, submit application, paying of the fees, using state bank collect. So this is the entire online application process. Shortlisted candidates appearing for the written online ya OMR test interview should invariably carry with them the following at the time of reporting of either the written or the personal interview. So us samay aapko kya kya carry karne hai wo sare bhi details diya hai. Important डेट्स एक बार मैं आपको और रिमाइंड कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 12th ऑफ मई से. क्लोजिंग डेट आपका 29th ऑफ मई है. सो यू हैव टाइम यू कैन गो हैड एंड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो NPCIL को. अगर हम सिलेबस की बात करें डेप्यूटी मैनेजर लीगल से तो आप देख सकते हो सिलेबस में उन्होंने वेल डिफाइंड दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा उसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज डायरेक्टिव of state policy and various other things. Legal theory से होगा, nature and sources of law, natural law theory, then public international law आएगा, family law आएगा, contract law आएंगे, general principles, essentials of valid contract, offer acceptance, remedies for breach of contract, damages. So all these will be there in the all these things will be there in the exam. Law of torts है, crimes है, labor laws है, concept, industrial disputes, trade unions, right and immunities of registered trade unions, ये सारे इसमें covered होंगे. फर्दर आप देख सकते हो एनवायरमेंटल लॉ से भी आएंगे. बिजनेस लेजिस्लेशन से आएगा जहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट होगा आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा, कंपनी लॉ होगा एंड नॉलेज ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, सिविल लाइबिलिटी, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, टैक्सेशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट एंड अदर सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन. सो यू कैन चेक ऑल दोज इन द डिटेल नोटिफिकेशन विच इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल लीगल बी फॉर मेनी मोर अपडेट.